ये भारत भूमि है, उत्तर प्रदेश भूमि है, यहां हिरण्यकश्यप रावण कंस जैसे बाहुबली नहीं बचे जिनको कि ब्रह्मा का वरदास था। तो आप क्या किस क्या नहीं कर रहे हैं? आपके मूलभूत सिद्धांत पे आते हैं, ट्वीट कर दे, बुलावा दे दे। तो इस धरती का नियम आज से नहीं, पौराणिक काल से ये बोला जा रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। आप बताइए, हरदोई के पास सबसे बड़ा वरद हस्त्र राजनीति का जिसको था, हिरण्यकश्यप, जिसको ब्रह्मा का वरदान था, किसी भी परिस्थिति में कोई नहीं मार सकता था। राम, रावण, रावण भी यही पैदा हुआ, कंस भी यही पैदा हुआ। भाई हर बार आपको बोला जा रहा है, कृष्ण ने शिशुपाल को 99 बार निमंत्रण दिया कि तुम अधर्म के रास्ते को त्याग करके न्याय के रास्ते पे आओ। राम ने रावण को निमंत्रण दिया और अब की बार भी पुलिस ने, मीडिया में आके योगी जी ने, सरकार ने, प्रबुद्ध लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हम लोगों ने बोला, पिछले 45 दिनों से बोला जा रहा है, सरकार बनते ही बोला गया कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, धर्म और न्याय के रास्ते पे आइए। अतीक अहमद की बात एक मुझे याद आती है, उन्होंने अपने एक भाषण में, अतीक अहमद ने बोला था कि अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, शोहरत दी, लाठी दी और लाठी में ताकत भी दी। भाई धर्म कोई भी हो, भगवान, अल्लाह ताला कोई भी हो, आपको लाठी देता है, ताकत देता है, दौलत और शोहरत देता है। उसको पता चला कि आप गलत प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरा रास्ता भी भगवान या अल्लाह ताला अपना लेता है। इसका उदाहरण है इस बात से, भगवान शंकर ने जो दिया था भस्मासुर को, उससे वो अभिषेक बन गया। ठीक है मिश्रा जी, ठीक ठीक जी, क्या एक मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, मैं सबको ये बोलूंगा, ये उत्तर प्रदेश की धरती है और पौराणिक काल से ब्रह्मा का वरद हस्त, ब्रह्मा जी की पुष्प पनाही जिन आतंकवादियों को, दुर्दांत अपराधियों को रही है, हिरण्यकश्यप, रावण वगैरह, उनका भी काम तमाम हो गया। तो बहुत ज्यादा किसी को यहाँ पे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाइए, सरेंडर करिए, अच्छे तरीके से रहिए, जियो और जीने दो। विपक्ष को मैं ये बोलूंगा ना कि कौरव की सभा आप लोग मत बनिए, कि जहां पे न्याय की बात हो रही है, कुछ हो रहा है तो वहां पे मुंह लटका के बैठ जाइए और उल्टे सीधे तरीके से आप प्रेजेंट करते रहिए, बताते रहिए, बचाते रहिए। ठीक है, अन्याय जी, ठीक मिश्रा जी। रोहित जी हंसे थे, उन्होंने जब मिश्रा जी थोड़ा ज्यादा त्रेता तक चले गए, लेकिन सच बात है, रावण कौन है, कंस कौन है, यही लोग हैं आज के दौर के, आदमी की आदमियत को खा जाना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले क्या कह रहा था, खबरें आई थी कि शाइस्ता ने फोन किया अतीक को कि इसका ना असद को इसमें नहीं फंसाना चाहिए था, तुमको नहीं उतार, तो बोला अरे पागल हो, शेर का बच्चा, शेर जैसे काम करेगा।